बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज आप लोगों के साथ शेयर करी हूँ मैं गर्मियों के हिसाब से राइस की रेसिपी, जो कि है आलू पुलाव की। बहुत ही टेस्टी बनता है, बनाना जिसको बहुत ही आसान है और इस गर्मियों में ये बहुत ही अच्छा लगता है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं रेसिपी को। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 2.5 कप चावल लिए हैं, जिसको मैंने वॉश करके सोक कर लिया है। अब नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे हम खुले पॉट में डालेंगे 1/2 कप ऑयल, और ये कप जो है वो 1/4 कप का है, तो मैं यहाँ पे 2 डाल रही हूँ। तो ये 1/2 कप हो गया। अब इसमें जाएगी 1 मीडियम साइज़ की कटी हुई प्याज, जिसको मैंने रफली काट लिया था। इसको स्लाइटली गोल्डन सा कर लेंगे हम। अब ये प्याज स्लाइटली हमारी गोल्डन होने पे है, इस स्टेज पे हम इसमें खड़े गरम मसाले ऐड करेंगे, जिसके अंदर मैंने ज़ीरा लिया है, सफ़ेद ज़ीरा लिया है 1 टीस्पून, काला ज़ीरा लिया है 1 टीस्पून। इसके अलावा एक बड़ी दालचीनी का टुकड़ा मैंने लिया है, 2 अदद बे लीव्स लिए हैं, 1/2 चाय का चम्मच काली मिर्च साबुत, 2 बादियान के फूल लिए हैं, 1 बड़ी इलायची ली है, छोटी इलायची ली है, 3 से 4 अदद लौंग डाल दी हैं। अब इस गरम मसाले को प्याज के साथ बिल्कुल हल्की आंच पे थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना हमने। तो जब तक ये हल्की आँच पर फ्राई हो रहा है, नेक्स्ट स्टेप कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने कुछ चीज़ें ली हैं जिसका हम पेस्ट बनाएंगे। तो 1 छोटी डली प्याज की ली है, जिसको मैंने आधा काट के इस्तेमाल किया है। अदरक का छोटा सा टुकड़ा लिया था, जिसको मैंने रफली काट लिया। 3 से 4 अदद हरी मिर्चें ली हैं, और ये हैं लहसुन के जवे 4 से 5 अदद ले ली हैं। तो ये तमाम चीज़ों को फ्रेश पीस के हम डालेंगे। अब ये देखें, ये हमारी प्याज स्लाइटली गोल्डन सी होने लगी है इस स्टेज पर। इन तमाम चीज़ों का ये देखें मैंने पेस्ट तैयार कर लिया था, ये मैंने ऐड कर दिया। अब इसको हम भुनेंगे प्याज के साथ। तो देखें, पुलाव के लिए मैंने प्याज को बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं किया, बस स्लाइटली गोल्डन सा है ये। और इस स्टेज पे हम इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरीके से भून लेंगे। 3 से 4 मिनट के लिए इसको मीडियम फ्लेम पे भूनना है हमने। तो जब भी आप चावल बनाएं, हमेशा लहसुन अदरक का पेस्ट फ्रेश पीस के डालें। अब ये भुन गया है, इस स्टेज पे हम शामिल करेंगे इसमें 1/2 किलो कटे हुए आलू, जिसको मैंने काट के 3 से 4 पानी के साथ वॉश किया हुआ है। ये डाल के मिक्स करेंगे, और आलू पुलाव में थोड़े से आलू ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पर मैंने आलू और चावलों की क्वान्टिटी सेम रखी है। अब यहाँ पर इस स्टेज पर हम शामिल कर देंगे नमक। तो नमक जाएगा हसबे ज़रूरत, मैंने डाला है 1 टीस्पून। अब इसके अंदर डालेंगे 2 मीडियम साइज़ के इस तरह से कटे हुए टमाटर, थोड़े से मोटे चंक्स में मैंने इसको काटा हुआ है। अब थोड़ा सा टेस्ट बढ़ाने के लिए मैं यहाँ पे चिकन स्टॉक क्यूब्स का इस्तेमाल करी हूँ, जो कि आपको ईज़िली मिल जाते हैं मार्केट में। तो एक पैकेट में 2 क्यूब्स होते हैं, जिसमें मैं 1 का इस्तेमाल कर रही हूँ। इससे काफ़ी अच्छा सा टेस्ट आ जाएगा इसके अंदर। इसमें वेजिटेबल भी आते हैं, चिकन भी आता है, बीफ का भी आता है, तो मैंने यहाँ पे चिकन क्यूब का इस्तेमाल किया है। ये डाल के इसको मिक्स कर लेंगे हम, और अब हम इसको ढक देंगे तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए। तो अभी हमारी मीडियम फ्लेम थी, अब इस स्टेज पे मीडियम लो फ्लेम पे हम इसको कवर करके पकाएंगे 5 से 6 मिनट के लिए। अब तकरीबन 5 से 6 मिनट गुजर चुके हैं, तो ये देखें तेल इसका सेपरेट होने लगा है। मसाले के साथ आलू को मिक्स करते हुए हमने भूनना है, और साथ ही इसमें शामिल कर देंगे इस स्टेज पे दही, और इस आलू को हम दही डाल के भूनेंगे। तो ये 2 टेबलस्पून दही ऐड कर दिया है मैंने, इसको मिक्स कर लेते हैं हम। अच्छा जी, बाज़ लोग कहते हैं कि चावलों के अंदर दही कौन डालता है, तो ये मेरी अपनी रेसिपी है। मैं तो टमाटर भी डालती हूँ और दही भी डालती हूँ, तो ये इसको आप इसी तरह से बनाइएगा, बहुत मज़े का बनेगा। तो इसको मिक्स कर लेते हैं हम। तो ये हो गया है मिक्स, भुन गया है। इस स्टेज पे थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे आलू को गलाने के लिए। तो 1 कप पानी ऐड कर दिया है, अब इसको कर देते हैं कवर। 4 से 5 मिनट के लिए इसको मज़ीद कुक करेंगे लो मीडियम फ्लेम पर। अब तकरीबन 4 से 5 मिनट गुजर चुके हैं, और इस स्टेज पे हम मोटी वाली हरी मिर्चें इसमें ऐड करें हैं काट के 2 से 3 अदद। और इसके अलावा अब हमने इसको 2 से 3 मिनट के लिए बगैर ढके ही इस तरह से कुक करना है। और आप इस स्टेज पे आलू ज़रूर चेक कर लीजिएगा कि ये कितने डन हो चुके हैं। डिपेंड करता है आलू पे, कभी कभी आलू जो है वो जल्दी से गल जाते हैं। तो ये मेरे आलू जो है वो बिल्कुल गल चुके हैं। इस स्टेज पे भीगे हुए चावलों को डाल दिया है मैंने, और ये मैंने 2.5 कप चावल लिए थे, जो कि हम डबल पानी इसमें ऐड करेंगे। तो तकरीबन 5 कप पानी जाएगा। जिस कप से आपने चावल लेने हैं, उसी से आपने पानी भी डालना है। तो यहाँ पर 5 कप पानी ऐड कर दूँगी मैं। तो चावलों में मैंने 5 कप पानी ऐड कर दिया है। अब इस स्टेज पे नमक ज़रूर चेक कर लीजिएगा, अगर कम हो तो आप डाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा नमक भी ऐड करूँगी हसबे ज़रूरत, और थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर, तो 1/2 चाय का चम्मच गरम मसाला पाउडर ऐड कर देंगे। और अब हम इसको हल्का सा मिक्स करेंगे, और मीडियम हाई फ्लेम पर हमने इसको कुक करना है तकरीबन 6 से 7 मिनट के लिए, जब तक ये पानी रिड्यूस नहीं हो जाता।
अब तकरीबन 4 से 5 मिनट गुजर चुके हैं और चावलों को ना हम इस तरह से आगे पीछे कर लेंगे। अभी इसमें काफ़ी ज़्यादा पानी है तो बस इस तरह से मिक्स करने के बाद फिर दोबारा से ढक दिया है, फिर चेक करेंगे जब तक पानी रिड्यूस नहीं होता। अब थोड़ी ही देर बाद चावलों को फिर दोबारा से चेक कर रहे हैं तो देखें इसमें काफ़ी ज़्यादा पानी मौजूद है। चावलों को थोड़ा सा हल्के हाथों से हम मिक्स करेंगे। इस तरीके से मिक्सर ना होता है, बहुत ज़्यादा आपने तेज़ हाथों से इसको मिक्स नहीं करना होता। तो ये देखें मैंने थोड़ा सा आगे पीछे कर लिया है। अब इसको हम कवर कर देते हैं और इसको इस स्टेज पर हम एलुमिनियम फॉइल से कवर कर रहे हैं। आप किसी कपड़े का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने इसको कर दिया है कवर। अब इसको हम 15 मिनट का दम लगाएंगे। शुरू के 2 मिनट हमने इसको हाई फ्लेम पर ही रहने देना है। जब इसमें बहुत अच्छे से स्टीम बन गई है तो उसको फ्लेम को मैंने लो कर दिया है। तो तकरीबन 15 मिनट के बाद हम इसको चेक करेंगे। अब तकरीबन 15 मिनट गुजर चुके हैं, चेक कर लेते हैं चावलों को। तो ध्यान से एलुमिनियम फॉइल को रिमूव कर देंगे और ये देखें माशाल्लाह से हमारा बेहतरीन सा आलू पुलाव बन के तैयार है। तो फोक की मदद से इसको इस तरह से मिक्स करेंगे। बिल्कुल परफेक्ट खिले खिले राइस बन के तैयार हैं। बिल्कुल परफेक्ट इसमें तेल गया है और पानी गया है और एकदम गले हुए राइस हैं ये। अब हम इसको इस तरह से मिक्स करने के बाद फिर दोबारा से कवर कर देंगे। 10 मिनट के बाद इसको हम डिश आउट करेंगे ताकि चावलों में जो भी कसर हो वो इस स्टीम से पूरी हो जाए। तो कर देते हैं इसको कवर। 10 मिनट के बाद आपको दिखाती हूँ इसका टेक्स्चर। तो 10 मिनट के बाद चावलों को मैंने डिश आउट कर लिया है। बेहतरीन सा हमारा आलू पुलाव बन के तैयार है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरी इस रेसिपी को और फीडबैक देना मत भूलिएगा कि ये रेसिपी आप लोगों से कैसी बनी। रेसिपी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी तो इसको लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिए और चैनल मेरा सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिर मिलती हूँ नेक्स्ट रेसिपी वीडियो में। जब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।